विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगराज सेवितं कपित जम्बो फलचार वक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुबाम वागम पाणव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतवरम देवम कंस चाणोरवल मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। करूं क्या तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। या जादू है तेरी उंगलियों में, या जादू है तेरी उंगलियों में, या तेरी मुस्कान में, या जादू है बांस में के बांसुरी की तान में। गलियों में आया तो फिर से आ जा, प्रेम की गलियों में आया तो फिर से आ जा, नया ना छोड़ दे या तो बजा दे बांसुरी कि मोहन बजाना छोड़ दे। झिलमिल है रहो कोई पीतम्बर को, भरवाई
धरो धन सपे हाथ
भगवान ने क्या किया, मोर मुकट दुबकाए के धरो धनुष पे हाथ, और या बानर के कारण नाथ बने रघुनाथ, भगवान राम के रूप में आ गए और जामवंत को दर्शन दिया। जामवंत ने जो वो मणि शत्राजित के भाई प्रसेन को मार के मणि को जो शेर ले गया, शेर को मार के जामवंत जी ले गए, उस मणि को और अपनी कन्या जामवंती को दान में दे दिया। जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। दूसरी रानी, तीसरी शत्राजित को पता चला कि मणि भगवान कृष्ण के पास नहीं थी और झूठा कलंक मैंने लगा दिया है, तो शत्राजित ने, भगवान ने मणि लाकर शत्राजित को दी, तो शत्राजित ने अपनी लड़की सत्यभामा के साथ में शादी कर दी और दहेज में वो मणि श्याम को दे दी। भगवान की आठ पटरानी थी, रुक्मिणी, मित्रवृंदा, कालंदी, सत्यभामा और सत्या और जामवंती, तो भगवान की आठ पटरानी है। कालंदी को यमुना के किनारे भगवान की याद में तपस्या कर रही है, सूर की पुत्री थी, इसके साथ भगवान ने शादी की। अयोध्या का राजा था एक सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं, चंद्रवंश में भी एक नगजित राजा हुआ और ये सूर्यवंशी राजा है अयोध्या का नगजित। उसके यहाँ सात बहुत विशाल बड़े बैल थे, उसकी शर्त ये थी कि इन सात बैलों को एक ही साथ में नाथ देगा, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा सत्यभामा का। भगवान कृष्ण गए उस स्वयंवर में, सभी देश विदेश के राजकुमार गए, भगवान ने सात रूप धारण कर सातों बैलों को एक साथ नाथ दिया, सत्यभामा का विवाह हुआ। इस तरह से अब भगवान की 16108 शादी द्वारका में हुई। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसे नरकासुर भी कहते हैं, और ये भौमासुर राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर लाता है और अपहरण करके अपनी जेल खाने में बंद कर देता है। शर्त क्या है इसकी, कि ये 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ इनसे शादी करूंगा, ये शर्त थी इसकी भौमासुर की। आज ये भौमासुर पृथ्वी का अवतार था और इसे ये वरदान प्राप्त था कि जब तक देवी पृथ्वी नहीं कहेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता है। और जो सत्यभामा जी थी वो पृथ्वी के अवतार से पैदा थी। भगवान कृष्ण सत्यभामा को गरुड़ पर बिठा कर लेकर के भौमासुर के दरबार में पहुंचे और भौमासुर ने देखा, झपट के भगवान श्याम को मारने लगा, और जब मारने लगा तो चीख करके सत्यभामा ने कहा, प्रभु इसे मार दो, इसे मार दो। सुदर्शन चक्र लिया और भौमासुर को भगवान ने समाप्त। जेल में जो 16,001 से राजाओं की कन्या है, भौमासुर ने जेल खाने के फाटक को खुलवाया और कहा, तुम सब बरी हो गई, अपने अपने घर जाओ। हाथ जोड़ के राजाओं की कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम दूषित हो गए, पिता के घर से बाहर इतने दिन इस दुष्ट की जेल में रहे, अब न हमें माता पिता स्वीकार करेंगे और न कोई हमारा विवाह करेगा, इसलिए 16,100 ने मिलकर के
आपको ये अपना पति मान लिया है महाराज। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और 16,100 राजकन्याओं को लेकर द्वारका में आई। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 और नौमी राधा और आधी कुबजा और 950 हो गए। राधा और कुबजा को छोड़ करके सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। 16,108 का 10 गुणा कर लेना, इतनी यादवों की संख्या द्वारका में कृष्ण के ही वंश की हो गई। शंका करने की जरूरत नहीं है, हम और तुम एक पत्नी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते, उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, और वो तो योगी है। वेद का सूत्र आता है, एको हम बहुश्यामा और अनेको हम एको हम, मैं एक से अनेक हो जाता हूं और अनेक से एक। भगवान के अंदर वो शक्ति है। एक बार नारद को भी इसी तरह शंका हो गई कि 16,108 रानियां और फिर योगी, चलो परीक्षा करके देख रहा हूं किस तरह से क्या हो रहा है। द्वारका में जाकर के देखा तो भगवान कृष्ण को प्रत्येक रानी के पास में देखा, किसी के यहां भोजन कर रहे हैं, किसी के यहां लेटे हैं, किसी के यहां स्नान कर रहे हैं, नाना तरह से 16,100 राजकन्याओं के पास देखा। देवसी नारद की भी शंका समाप्त हो गई। भगवत प्रेमियों, अब जब द्वारका में भगवान है, द्वारका में से देव की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, कहां? उज्जैन में। किनके यहां? गुरुशालीपन के यहां वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। और जब वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, उसी समय रास्ता में पोरबंदर का रहने वाला, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पोरबंदर का रहने वाला बिरस ऋषि का पुत्र सुदामा, इसकी मां का नाम बेलवती था, इसके पुत्र का नाम दारक था। बिरस ऋषि का पुत्र सुदामा रास्ता में मिल गया, भैया कहां जा रहे हो? मैं गुरु जी के यहां। माता बहनों, क्या प्राइमरी पाठशाला है? क्या बात है, देख लो, बड़ा शांति से कथा सुन रही। आज तो आपस में बहना, जिस साड़ी बहुत अच्छी लगे तुम्हें, ये सूट बहुत सुंदर, कैसे लाई? गलत बात, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे नारी सुख शांति में पाओगी जो कथा में बात करोगी, नारी सुख शांति में पाओगी जो कथा में बात। कथा में बात करी तो 7 जन्म तक माता बहनों दुख मिलेगा, अधोगति प्राप्त हो जाएगी। पहले जन्म में कौन बनो? पहले जन्म में बनो बिलैया, समझ लेना। अगर कथा में बात करी तो बिल्ली बन जाओगी, बिल्ली बुराई करती बोलो, बुराई बोले। पहले जन्म में बनो बिलैया, तब क्या होगा? अरे हरिया चाट मर जाओगी, कथा में बात। शास्त्र
माध्यम से शिक्षा थी मेरे देश की, कोर्स बने हुए थे, 100 रुपए में 10 रुपए धर्म के हित के लिए रखे जाते थे, 90 रुपए से अपना गुजारा होता था। उन 10 रुपए 10वां अंश जो दौलत थी वो धर्म हित शिक्षा में, मंदिरों में और धर्म के कार्यक्रमों के आयोजनों में उसको खर्च किया जाता प्रत्येक व्यक्ति के, इस तरह का सिस्टम था। जिसके यहाँ 100 रुपए पैदा हो रहे तो 10 रुपए धर्म हित के लिए एक कोर्स में डाल दिए और 90 रुपए से अपनी घर गृहस्थी का काम चलाया। इससे पढ़ाई दवाई सब 10 ही रुपए में थी। वैद्य लोग जो है पैसे नहीं लेते थे, उनके अनाज वाले अनाज पहुंचा देते, वस्त्र वाले वस्त्र पहुंचा देते, जिसके पास जो वस्तु थी वो पहुंचाते थे, 10वें अंश में ही सारी व्यवस्था थी। आज अगर पैसा है तो सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, पैसा नहीं है तो कोई व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। उसी तरह आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, और जब ईंधन खत्म हो गया गुरु माता ने श्याम सिंह का बेटा श्याम, हाँ आज आश्रम में ईंधन खत्म हो गया है। अच्छा बोलो तो। गुरु पत्नी बोली मुरलीधर तन गए धर आओ, आश्रम में ईंधन को नाम नहीं कछु बेटा द्वारा बतलाओ। गुरुमाता ने कहा बेटा आश्रम में ईंधन नहीं है, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले क्या चिंता है माँ, मेरे साथ में ये चतुर सुदामा है, उस सुदामा को लेकर के मैं जंगल में चला जाऊंगा, जंगल से लकड़ी तोड़ करके मैं ले आऊंगा। चिंता मत करो भैया, सुदामा को साथ लेकर जंगल को चलने लगे दोनों बच्चे कृष्ण और सुदामा। गुरुमा ने विचार किया ये छोटे छोटे बच्चे हैं और भूखे भी हैं, जंगल में न मालूम कितने समय में वापस आएंगे। आश्रम में थोड़े भुने हुए चना थे, एक छोटी सी चावल की टोकरी दे दो ना पोटरी सतीश, एक पोटरी छोटी सी चावल की दे दो। गुरमैया ने आश्रम में से छोटी सी दो, महाराज तो बहुत बड़ी है छोटी, देखो कोई अंदर आश्रम में से भुने हुए चना जो है लेकर के आए। नीचे पन्नी रखे तो उनमें ले तो नीचे पन्नी रखे, नीचे नीचे उसमें फाड़ ले, इधर नीचे वाली कहाँ गई। लेकर के आश्रम में से आए ये दोनों बच्चे, भूखे जा रहे हैं और जंगल में जाकर इन्हें भूख लगेगी तो कुछ नाश्ता कर लेंगे। गुरमैया थोड़े से चना लेकर के आए, और भगवान श्याम आ गए हैं, पीछे सुदामा थोड़ी दूरी पर निकल गए। गुरमाता ने सुदामा दिखाई दे रहे, सुदामा का नाम लेकर के कहा बेटा सुदामा हाँ भैया इधर आइए सुदामा, इधर आ जा सुदामा, कछु बात है इधर आइए सुदामा।
साथ में उठा तुझे के साथ में गुरमाता ने का बेटा लो ला ये चना ले जाओ, एक दूसरे के साथ में घात मत करना, जंगल में भूख लगे तो तुम और श्याम दोनों बांट कर बेटा खा लेना। ठीक है भैया, ठीक है। चना लेकर के सुदामा जी ने अपनी कांख में दबा ले, भगवान श्याम तो आगे निकल ही गए, थोड़े पीछे से सुदामा भी आ गए। जंगल में जाकर के एक सूखे हुए वृक्ष को देखा, भगवान ने कहा भैया सुदामा हाँ ये वृक्ष सूखा है, बोलो इससे लकड़ी ले लो। बोलो भैया, चढ़ जाओ भैया, तोड़ो भैया। मैं तो चढ़ने जानते नहीं, पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हो। भगवान ने कहा हम तो बहुत चढ़ना जाना, वृंदावन में जब छोटे थे और ग्वालों के साथ जंगल में गाय जब चराए तब टंक पोत का खेल खेला करते थे, वो लगो साड़िया अच्छा वो वृक्षों पर चढ़े, हम चढ़ जाते हैं भैया, मैं चढ़े जा रहा हूँ ऊपर। चढ़ जाओ भैया, चढ़। सुदामा ने कहा ठीक है भैया तुम चढ़ जाओ, मैं नीचे लकड़ी इकट्ठी करता रहूंगा। मैं बटोतरा हूँ भैया। आज भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही भगवान पेड़ पे चढ़े सुदामा ने वो पोटली खोल ली जो गुरु माता ने चनन की गई। सोचने लगे सुदामा थोड़े से तो चना है और अगर बांट के खाए तो न वो पिलेगा न हम पिलेंगे, ताते लाओ हम ही काम कर ले। पोटली को खोल ले, भगवान ऊपर से लकड़ी तोड़ रहे करते चट और वो मुट्ठी भर के मुंह में डाल लेता कर लेता कट। भगवान ने देखा हमारी आलू पड़ रहा है, कोई नाश्ता कर रहे भैया हाँ शब्द सुना बोलो भैया क्या खाता है, कछु हो तनिक हम गुंडे भूखन दम निकला जाता है। हम निकला जाता है
भगवान ने कटकट की आवाज सुनी, भैया सुदामा हाँ का खा रहे हो भैया, कछो इतने थोड़े सो हमें दे दे, भूख के मारे मेरी दम निकली जा रही है भैया। भैया जब ठंड के मारे पापी बज रही है। सुदामा कहने लगा क्या रखा है भैया, ठंड के मारे मेरी दांती बज रही है, इसलिए दांत में दांत लग जाए, कटकट की आवाज आ रही है, मैं खाए कुछ नहीं रहे भैया। कुछ नहीं खा रहे ये कटकट की आवाज ठंड के मारे दांती बज रही है। अच्छा भैया चल तेरी बात मान ले, ठंड के मारे दांती बज रही है, दांत से ये दांतन की आवाज आ रही है। हाँ। लेकिन एक बात बता भैया, जो बड़े बड़े ग्रास अंदर को निकल रहा है वो ठंडा ही निकल रहा है, कुछ खा रहा है भैया? ये ठंडा ही आ रही है, यानी ठंडा ही निकल रहा है। हाँ। भगवान समझ गए, सुदामा ने श्याम को नहीं दिए, अकेले चाप गया। चनन को चाप दो लेकिन लकड़ी लाने में मगर, लकड़ी लाने में मगर उनको हो गई शाम। श्याम सुदामा लौट न पाए, वही बीत गई शाम। रात्रि हो गई लकड़ी लाने में, सूर्यास्त हो गए, वापस नहीं आए। और माह को महीना है, बड़ा ठंडी का मौसम है और नन्नी नन्नी बूंदों से बरसा हो रही है। अदबेशु माह को महीना रे, पानी पे पानी आ गए। बूंदों से वर्षा होने लगी। रात्रि को एक वृक्ष के नीचे कृष्ण और सुदामा दोनों बैठे हुए सिकुड़ते रहे, पूरी रात्रि इसी तरह कट गई। प्रातः लकड़ी लेकर के कृष्ण और सुदामा आश्रम में आए। गुरमैया ने देखा, सुदामा सुदामा बोल मैया, मैंने जो चना दिए वो चना तू अकेले चाप गया या श्याम को नहीं दिए? मैया वो चना मेरे ही नहीं होता है, ये 50 रुपए का दान हमारे पास में आया है, आकाश पुत्र सुभाष नंबरदार जी के हैं, और 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है मिट्टू मुखिया के पोते साहब परीक्षित महाराज, दो जोड़ी कपड़ा और एक जोड़ी छुट्टी सैंपल जो है, और ये 50 रुपए का गुप्त दान है, 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है सुशांत और
अर्नब पोते श्री महेंद्र सिंह जी के हैं और 50 रुपए का दान आया है अजय की पुत्री खुशी और एक जोड़ी कपड़े जो है 50 रुपए एक जोड़ी कपड़े अजय की पुत्री जो है खुशी अर्पण कर देंगे। भगवान सभी श्रोताओं की श्रम मनोकामना पूर्ण करें। धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे को गले में पड़ता है। संजय ये 50 रुपए और एक जोड़ी कपड़ा संजय बिंदी रखते हैं। हाँ तो हम पड़वे भूल गए। भाइयों गोर माता ने कहा सुदामा से बेटा हाँ मैया जो चना दी अकेले चार बजे श्याम को नहीं दिया मैया बेन भूख लग रही था तो मेरे सब खा ले। सुदामा कहने लगे मैया थोड़े से तो चना है हमारे ही तो चना भाव हम ही नहीं उनसे हमारी जो आत्मा तृप्त नहीं हो पाई। हाँ मैया गोर मा ने क्रोध करके सुदामा अरे पुरुषी कपट नेत्र से से चोरी क्या हो निर्धन क्या हो तू दादी हो जा। हाय हाय सुदामा ने श्याम के चरण को पकड़ लिया। प्रभु श्याम तुम मुझे भूल मत जाना भैया। गुरमैया ने जो साप दिया लेकिन तुम मत भूल जाना भैया। क्या बोला मैं साप मात को सहलूंगो रे मौसी भैया भैया कई की बोली साप मार को सहलूंगो रे मौसी भैया भैया कई की बोली आपको तो सहन कर लूंगा भैया लेकिन तुम भूल मत जाना मुझे। वो दिन मुझे याद है इसी आश्रम में मेरे पैर में कांटा लग गया और कांटा नीचे से ऊपर निकल आया तो श्याम जब वो कांटा खींचा नहीं तो तुमने अपने दांतों से खींचा। भैया मुझे भूल मत जाना। कितने दिन में 64 दिन में भगवान ने 64 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 32 स्मृति 24 संहिता और एक ब्रह्म सूत्र का ज्ञान कर लिया था। कितने दिन में 64 दिन में। एक दिन गुरुजी भगवान श्याम को कुछ गलती हुई तो उस पर जो है भगवान श्याम को मारने के लिए दौड़े तो भगवान श्याम भागने लगे और जब भागने लगे पीछे पीछे गुरुजी और आगे आगे श्याम। यहां तक लिखा है सारे मंडलों में दौड़े गुरु लेकिन श्याम को नहीं पकड़ पाया। वो उनके मर्म को जानते थे कि ये साधारण लड़का नहीं है तो सच्चिदानंद ब्रह्म
है। 64 दिन के बाद में विद्या पूर्ण हुई और विद्या पूर्ण होकर के गुरुजी से विदा मांग करके द्वारका को चले। गुरुदक्षिणा में गुरुजी, गुरुदक्षिणा में आपको क्या दिया जाए? अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, बताइए गुरुदक्षिणा में हम आपको क्या दें गुरुजी? गुरुजी का एक पुत्र था और वो समुद्र में डूब के मर गया था। गुरुजी इनके मर्म को जानते थे, ये ब्रह्म है। तो गुरु सांदीपन्य का बेटा, गुरुदक्षिणा हमें देना चाहते हो तो दे दो, मेरा मृतक पुत्र, जो मरा हुआ पुत्र है उसे ला करके दे दो। भगवान समुद्र में डूब के पुत्र खत्म हुआ, समुद्र में प्रवेश किया भगवान ने, और उस समुद्र में एक शंकासुर नामक दैत्य रहता था। शंकासुर दैत्य के पास भी गुरु जी का पुत्र नहीं मिला तो शंकासुर दैत्य का वध करके उससे पांचाल शंख लेकर के आए। भगवान यम की यमपुरी में पहुंचे और यम की यमपुरी में जाकर के गुरु जी के मृतक पुत्र को ला करके गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपन को भेंट किया। समझ लो ऐसे थे भगवान कन्हैया, और विद्या पूर्ण कर द्वारकापुरी में रहने लगे। ये तो द्वारका के राजा हो गए, द्वारकाधीश बन गए, और सुदामा गुर माता के साप के कारण दीन गरीब दरिद्र हो गया। इतनी गरीबी आ गई कि दिन भर बेचारा द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाता है, लेकिन जी भर के आता नहीं मिलता है। के दिन भर बेचारा द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाता है, हो गई भगवत प्रेमियों। जो नमक मिले तो मथा नहीं, और मथा मिले तो नमक नहीं, एक घर मांगे दस घर मांगे जी भर के आधा मिले नहीं। चाहे एक घर मांगे चाहे दो घर चाहे दस घर, इतना आटा नहीं मिलता है कि इसके पूरे परिवार का गुजारा हो जाए, भरपेट भोजन मिल जाए। जिस दिन नमक मिल जाए ता दिन मठा न मिले, जा दिन मठा मिल जाए तो नमक न मिले। इतना नहीं हुआ, कोई भी सर्दी का सीजन नहीं कैसा जाता है कि सर से पांव तक रजाई ओढ़ने को मिल जाए। बहुत गरीबी आ गई, द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाता है, जी भर के आटा दाल नहीं मिलता है। एक दिन इनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जिन्हें भामिनी भी कहते हैं। सुशीला ने कहा, भामिनी ने पिया, कौन जन्म के कर्म हैं जिन कर्मों के कारण हम और हमारे बच्चों को जी भर के आटा भी नहीं मिलता, भूखे रह रहे? कौन अपराध हमने किया है जो परमात्मा भरपेट भोजन भी नहीं देता है? हाँ स्वामी। देवी कहिए, क्या बताऊं, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है। फिर महाराज, इसमें दोषी मैं हूं, इसलिए मैं दोषी हूं। दीदी कहिए, हमारे चक्कर में तुम लोगों को भी कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है। महाराज सुनो दीदी कहिए, हम गुरुकुल में जब पड़े
गुरुकुल में पढ़ रहे श्याम मेरे सपाती हम गुरुकुल में पढ़ रहे रानी हम गुरुकुल में जब पढ़े कन्हैया मेरे सपाती ना गए लेन लकड़ियां सुर माने चना गए एक दिन आ गए लेन लकड़ियां सुर माने चना गए श्याम को नाई गए ते सुशीला मैंने ये किले क्या बिलाए गुरुकुल में पढ़ रहे गुरुकुल में पढ़ रहे कन्हैया मेरे सपाती गुरुकुल में पढ़ ताई साप से ओरी सुशीला दीन गरीब भर हम उसी पाप से ओरी भामिनी दीन गरीब भर असलो कुर्बान साप के दिया उसी से हम दीन गरीब हो गए अच्छा बारा श्याम को चना दे नहीं देवी गुरुकुल में हम पढ़ते मेरे साथ में भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश भी पढ़ते थे एक दिन चना ले चना गुरमा ने दिए लकड़ी लेने को गए वो चना मैंने अकेले चाट लिए श्याम को नहीं दिए अच्छा उसी साप के कारण गुरमा ने साथ दे दिया उसी साप के कारण देवी में दीन गरीब हो गया हूं अच्छा महाराज तुम लोगों का कोई दोष नहीं है सुशीला कहने लगी भामिनी स्वामी द्वारकाधीश श्याम सुंदर तुम्हारे मित्र हैं पर कल्पना वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना कैसी कर रहे हो अगर वो तुम्हारे मित्र हैं तो उन्हीं के पास चले जाओ बिल्कुल जाओ महाराज देवी हाँ मेरे मित्र तो गए हैं लेकिन बोलो अब वो सहदेव राजा महाराज हो गए मुझे पहचाने या न पहचाने अरे पहचान लेंगे तुम्हें तो देवी वो मुझे पहचानेंगे नहीं पर तो बहुत दिन पुरानी बात है और तो मुझे भूल भी गए हो अरे नहीं पहचान लेंगे सुशीला कहने लगी स्वामी जाओ तो मित्र को ऐसे समय में अजमाना चाहिए क्या बोली दुख सहो न हम पे जाए अर जाए कटेगी कैसी जिंदगानी दुख सहो
सो नाम में जा बालापन के मित्र तुम्हारे और क्या बोले स्वामी वैसे नहीं कहती तू की जान पुरानी ये बाती तू की जान पुरानी ये बाती टप टप पनीर चुचा कटेगी सो नाम पे जा कटगी कैसे सुशील बिल्कुल चले जाओ द्वारकापुरी को चले जाओगे तो वो तुम्हारी हालत दयनीय समझ करके कुछ न कुछ जरूर दे देंगे और मैं वैसे नहीं कहती हाँ। टूटी छान पुरानी बाती पर से ले नींद नहीं आती घर में ना अन्न को दाना और तीन तीन दिन तक मिले न खाना स्वामी सारे बच्चों की दिशा देखो देख लो मेरे तीन दिन हो गए चूल्हा नहीं जला ये बच्चे कैसे मलूम लगे हैं देख लो मेरे बच्चे सूख गए हैं सब तुम चले जाओ सुदामा जी कहने लगे क्यों बागड़ी हो रही हो बेबी हाँ महाराज जानती हो एक बात तू बोला क्यों पगली है गई नारी अरे नारी को पूछे बात गरीबी में ओ भाई है बाबरी हमें पटका पटका
परसों काल बोले से चलो यंगे देवी चलो अगर कब विदेश जाऊं तन के फटे पस्त्र सब जाऊं बाबरी हो गई हूँ। गरीबी में कोई बात पूछने वाला नहीं है। अगर मैं किसी तरह से चला जाऊं बाला तन के मेरे सारे वस्त्र फटे हुए सब क्या जाऊं वो महाराज हो गए अब मुझे पहचानेंगे नहीं। और लोगों सही बात है होते हैं हजारों रिश्ते होते ही हजारों रिश्ते जिनकी धन पास होता है और टूट जाते हैं रिश्ते खास गरीबी में जो रिश्ता खास होते हैं हजारों रिश्ते जल के धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो रिश्ता कभी सर्दी कभी गर्मी ये तो समय के नजारे हैं कभी सर्दी कभी गर्मी ये तो समय के नजारे हैं लोगों प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के समझ लेना एक बात और नोट कर लो सदा दिन एक से किसी के गुजरते सदा दिन एक से किसी के गुजरते ने देखे जो दहाड़े थे शेरों के सामने वो हमने श्यार से डरते देखे सदा दिन एक से किसी के लोगों गुजरते ने जिनने दान किया लाखों का वो एक एक कौड़ी को हाथ पसरते देखे सदा दिन एक से किसी के गुजरते ने देखे समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है और ये 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है जगदीश ठेकेदार की धर्म पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी 100 रुपए और एक जोड़ी कपड़ा दे रही हैं। ये 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है मांगे राम के देवते अभय यादव जी के हैं और ये 50 रुपए का दान हमारे पास में आया है पप्पू के सुपुत्र ये ललित के हैं 50 रुपए पप्पू के पोते कुकू अभिषेक ये 50 रुपए और ये 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है अनिल की सुपुत्री सुधा और रिक्त का ये 100 रुपए का दान दे रही है भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे को बढ़े मैं प्रार्थना कर रहा हूं।
भाइयों एक बात तो समझ लेना, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए कभी घमंड मत करना। करनी कर ले समारी तो इधर ईश्वर के जानो समाधि तो घर ईश्वर के जानो हर ईश्वर के जानो है तो घर ईश्वर के जानो है चलेंगे बंदा और सर में पड़ेंगे बंदा संग चलेंगे बंदा और सर में पड़ेंगे बंदा भगवत प्रेमियों सुदामा जी की बहुत दयनीय दशा हो गई, बेचारा दिन भर इधर उधर भटक रहा है। कृष्ण को अपना मित्र बताया तो पत्नी कह रही है उन्हीं के पास चले जाओ, तुम्हारी ये दशा देखकर उनसे मांगना मत कुछ, तुम केवल वो अगर तुम्हारे मित्र हैं तो तुम्हारी दयनीय दशा देखकर ही तुम्हारी भावना को समझकर कुछ दे देंगे। हाँ महाराज, इसलिए आप द्वारका को चले जाओ। चलेगा महाराज। देवी कैसे चला जाऊं, बहुत दिन हो गए, अब वो मुझे भूल गए हैं। मैं भूलूंगा तुम्हें। चल जइयो द्वारका यो सजना, चल जइयो स्वामी, तुम्हारे पन्ना पड़ रहे द्वारकापुरी चले जाओ। चलेगा महाराज। और वो ऐसे नहीं है, द्वारकाधीश तुम्हारी दशा को देखकर जरूर कुछ न कुछ तुम्हें दे देंगे। दीदी कही एक बात बताओ। बोलो। अगर मैं चला भी जाऊं हाँ। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बताओ महाराज। देखो कही
मैं चला जाऊंगा, लेकिन गुरु से और मित्र से मिलने जाए तो कुछ भेंट की सामग्री जरूर होती है। अच्छा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अपने मित्र के पास इतने दिनों के बाद में जा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सौदा होती है, नारियल हो, गोला हो और मेवा मिष्ठान हो गए। अगर कुछ न हो, कुछ न हो तो थोड़े पाव सिर्फ चावल अगर मिल जाते तो मैं अपने मित्र को भेंट में चावल दे करके और अपने मित्र से मिलाता। स्वामी हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर तुम ज्यादा हमें बात कर देंगे देवी तो पाव सिर चावल कल परोसन के यहाँ से ले आओ, वो चावल ले करके और मैं अपने मित्र को भेंट में दे दूंगा। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ मान में। दुखिया चल दी नहीं, अब नहीं कहूं न उधार दो और ना ही सबने कर दी। ये गरीबी है, पति की आज्ञा को पाकर के बेचारी सुशीला पड़ोसन के घर चावल 250 ग्राम आशीर्वाद मांगने गई। पति की आज्ञा पर लाचार बेचारी सुशीला पड़ोसन के घर गई। बहना लक्ष्मी की जिया, बहना बोल, मेरे पिया द्वारकापुरी को अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो बोल बहन, हाँ पाँच सौ चावल दे दो, तुम्हारे पास हो तो मेरे पिया कल वापस आ जाएंगे, परसों मैं तुम्हें तुम्हारे पाँच सौ चावल वापस कर दूंगी। क्या कह रहे हैं? सुनने पाई बहन तुमने? जा मैं जा रहा ना, चावल पावल पाँच सौ चावल दे दो, मैं जा रहा ना जा कल। पड़ोसन कहने लगे कल लेके गई, कल की कह गई आज फिर आ गई। तेरे पिया कौन दौर का जाए कौन स्वर का, मैं नए बहाने बनाए कि तू चल कल अंदर था। पड़ोसन ने मना कर दिया, चावल नहीं दिया। दूसरी पड़ोसन के घर गई, चलो जा, पड़ोसन ने मना कर दी तो दूसरी दे देगी। दूसरी पड़ोसन ने दूर से देखो कि सुशीला आ रही है, और जो सुशीला का मते में आ रही है, ये गरीबी है। उसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया, क्यों? कौन मूड मारे इससे, कल चक्कर में आई हुई कुछ मांगने, गेट को बंद कर लिया, कहीं चावल नहीं मिले। रोने लगी बेचारी, भगवान मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस दुनिया में किसी को गरीबी मत देना, इससे भला मौत दे देना। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मंगल बदनसीबी न दे। तो इतना ही कहूंगा भगवान, किसी को गरीबी मत देना, गरीबी से तो भला उसे मौत दे देना, लेकिन गरीबी मत देना। और लोगों गरीबी के दर्द को वही जान सकता है जो गरीबी में पला हो, जो सोने के टुकड़ों में पला हो वो गरीबी के दर्द को कदापि नहीं जान सकता है।
इतना ही कहूंगा, तोता किसी के मत नहीं आइए, सबसे बुरा है तोता, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना दे तोता। अरे तोता किसी के मत नहीं आइए, सबसे बुरा है तोता, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना दे तोता। की गरीबी नरसी पे हरवाई, तो आएगा नरसी के घर खाए तू नहीं जाना, तो आएगा नरसी के घर खाए तू नहीं जाना, सिर सागर में नाई आओ ने भात पत्र पर फरमाना, मिठो भात पत्र फरमाना, सिर सागर में नाई आओ ने भात पत्र फरमाना, नाई के फायदे को नरसी बथुआ तोर के लाओ, कितनी गरीबी आता नहीं दिया, जूनागढ़ में किसी ने इतना आटा नरसी को नहीं दिया, जो पिटिया के यहाँ से नाई मेहमान आए हैं बाप भोजन करा दे कर आयो, मेहमान समझ के नरसी बथुआ लायो, कोई भर दो अलू बिना नमक नरसी ने सोची बिटिया के घर से नाई आ गया है और कोई भोजन की व्यवस्था ना है, तो चलो एक खेत में पहुंचो, ले लिया तो वो बथुआ जो गेहूं में हो जाए बथुआ तोड़ के लाओ, चलो कम से कम भूखो तो नहीं रहे, और पत्नी को ला के दो, तो पत्नी से कहा बेबी तुम कहीं से नमक ले आओ, हाय वो भी नमक मांगने नरसी की पत्नी गई, लेकिन किसी ने उनको नमक नहीं दिया, अरे आयो मेहमान समझ के नरसी बथुआ लाओ, कोई धर दो अलू बिना नमक बनवा, बिना नमक बनवायो भाई रो बिना नमक बनवायो, कोई भर दो अलू बिना नमक बनवा, नरसी सोचे मन अपने में परसों कैसे गोता, पूरे तोता किसी के मत नहीं आई सबसे बुरा है, तुम्हारे मित्र मुरारी भैया तुम्हारे मित्र मुरारी, सुशीला आपके मित्र मुरारी, द्वारिका हरी पत तुम्हारी, और दीनन की रक्षा करते हैं हरदम वो फिर विप्रसुदामा चलन लगे वो बगल दवाई लो, और तोता किसी के मत नहीं आई सबसे बड़ा है तोता, We'll be right back.
इतनी गरीबी आ गई, कहीं चावल किसी ने नहीं दिए। तो सुशीला सोचने लगी, एक तालाब की पार पर पहुंची जहां जो लामड़ के कुदरती धान उगाते हैं, उसको हल्ला करके उनमें से चावल निकाल के 250 ग्राम, अब कोई इतना कपड़ा नहीं है जिसमें बांध देती बेचारी जी, एक फटा हुआ कपड़ा है उसको दोबर और चार पट करके उसमें चावल बांध के एक पुट भी चावल पासे और सुदामा जी को दे दिए, स्वामी जी ये चावल ले जाओ। और चावल ले जा करके अपने मित्र को भेंट में देना, और भेंट में दे करके उनसे मेरी नमस्ते कहना। मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संगई बुलाए के संगई बुलाए की लड़ी। जाकर मेरी श्याम से नमस्ते कहना और उन्हें साथ ही बुला करके लाना और ये कहना, अपने नाम नहीं मेरी कह देना कि तुम्हारी भाभी ने बुलाया है। हाँ जी। आज पोटली लेके चावल की वो सुदामा जी द्वारका के लिए चले। हर से मिल बे द्वारिका जा रहे हैं धीरे धीरे, हर से मिल बे द्वारिका जा रहे हैं धीरे से मिलने के लिए चले वो चावल लेकर के। 3 दिन का भूखा ब्राह्मण देवता है, जोर से भूख लगी। रास्ता में एक किसान का खेत पड़ता है जिसमें मटर की फली लगी हुई है। चारों तरफ देख के सुदामा जी उस खेत की मेड़ पर बैठ के और मटर की फली तोड़ के चाटने लगा, 2 फली चाट पाई। तब तक किसान का बेटा आ गया। किसान के बेटा ने ललकार करके कहा, हाँ भैया, कौन है तू? मैं सुदामा। खड़ा हो। कौन भैया? सुदामा कहने लगे, भैया ये खेत तुम्हारा ही है? किसान का बेटा कहने लगा, नहीं हमारा नहीं है, तेरे बाप का है। रोजाना तू इस खेत में से फली तोड़ के ले जाता है। भैया आज ही आए हूँ।
जवाब दिया, मैं बहुत गरीब हूँ भैया, मैं रोजाना नहीं, मैं तो आज 3 दिन से भूखा था, थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने 2 फल तोड़ ली है। हाँ भैया भैया, और तो कचनी में बहुत गरीब हूँ, बहुत कर दो, फरी के बदले मुझे मान दो। हाँ। किसान देवता आ गया, किसान देवता ने कहा बेटा क्या बात है, ये बोल रहा है कौन, ये फली तोड़ रहा था अपने खेत में बेटा। हाँ। शकल सूरत से ये बहुत गरीब मालूम पड़ रहा है, इसे छोड़ छोड़। अच्छा पिताजी, ये 50 रुपए का दान हमारे पास में आया है मुनिंदर के पुत्र यश और निधि, और ये 50 रुपए का दान हमारे पास में आया है सतीश यादव गिरधरपुर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और ये 6 रुपया छह रुपए का दान हमारे पास में आया है गोलूपाल पुत्र श्री राजपाल जी के हैं, ये 6 रुपए दे रहे हैं, भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें। 50 रुपए सुरेश सोनी जी के हैं, और 100 रुपए शिवम सुपुत्र दिनेश, ये बदाऊं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 100 रुपए दे रहे हैं, और 500 रुपए रिंकू पुत्र युधिष्ठिर सिंह जी के हैं, और 50 रुपए सुनील प्रजापति की पुत्री ये लवनिया के हैं, और 500 रुपए का दान हमारे पास में आया है प्राइमरी स्कूल दीनानाथपुर पुठी समस्त स्टाफ की तरफ से, 500 रुपए का दान आया है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इन सभी श्रोतागणों की सर्व मनोकामना पूर्ण करें, धन क्षेत्र में इनके हाथ आगे को बढ़ते रहें, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। श्री सुखदेव जी बता रहे परीक्षित जी, अब सुदामा जी वहां से चले धीरे धीरे, पैरों में खून बह रहा है, विवाह फटी हुई है, चलते चलते गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए, और वहां पर सूर्यास्त होने हो चुके हैं, लगभग सूर्यास्त होने ही जा रहे हैं। सब मल्ला घाट से अपनी अपनी नाव को किनारे से करके चले गए, कोई मल्ला नहीं है, सुदामा अकेले नदी के घाट पर खड़े हैं। भगवान ने सोचा मेरा मित्र आ गया, कहा करो भक्तों ने मोह को नाना भात नचाया, जिनके कारण तजी द्वारिका स्वर्ग लोक बिसराया, भक्तों ने मोह को नाना भात नचाया। भगवान अपने भक्त की खातिर नंदा नाई बन गए, नंदा नाई के इतिहास को आप जानते होंगे, दुर्योधन की सेवा करने वाला नंदा नाई था, और ये एक दिन सत्संग में व्यस्त हो गया। नारद आदि ऋषि ने नंदा नाई के सत्संग की परीक्षा ली, सत्संग में व्यस्त हो गया, तो इसकी पत्नी ने नंदा नाई की ने कहा तुम संतों की सेवा में लगे रहोगे, दुर्योधन के कोप को कौन सहन करेगा। नंदा नाई ने कहा होगा सो देखा जाएगा, संतों का समागम रोजाना नहीं मिलेगा, संतों की सेवा में लगे रहे भाव लेट हो गए, और उधर दुर्योधन कुपित हो रहा है, तो भगवान ने क्या किया, नंदा नाई बन के भगवान दुर्योधन के गोद दबाने के लिए पहुंच गए अपने भक्त के कारण, हर नंदा नाई बनकर के दुर्योधन की सेवा करने लगे, लेट हो गए, और जब लेट संत जो है सत्संग करके चले गए, उसके बाद में नंदा नाई जो है दुर्योधन के पास पहुंचा, ढोंग बना करके कांपने लगा, महाराज आज मुझे बुखार आ गया, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। दुर्योधन कहने लगा रे नंदा क्या भांग पी करके आया है, अरे अभी तो तू सेवा करके गया है और फिर तू आ गया। बोला बोला, इस तरह के भगवान अपने भक्त की लाज को कभी नहीं जाने देंगे, न जाने देते, अपने भक्त की रक्षा सर्वदा हर काल में करते। एक बार भगवान के चरणों में मत्था टेक करके तो देखो क्या हुआ, कोई मल्ला नाव पर नहीं है, सूर्यास्त हो गए हैं, भगवान ने सोचा मेरा मित्र आ रहा है, और नाव पर कोई मल्ला नहीं है, क्या किया, अपने मित्र के कारण भगवान एक मल्ला को रूप बना के आ गए, मल्ला बन गए और एक नाव पर बैठ गए।
अब जब नाव पर बैठ गए मल्ला बनके, सुदामा जी ने देखा एक मल्ला नाव पर है, उसे ये नहीं पता कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान मल्ला का वेश बना कर आए हैं। आवाज लगाई, अरे ओ भैया मल्ला, भैया मल्हा। हाँ भैया। बुला ले अपनी पारी हमको यो मेरे मल्हा भैया, बुला ले अपनी मुझे पल्ली पार अपनी पार उतार ले। अच्छा भैया। नाव को लेकर के भगवान अपने मित्र सुदामा के पास आ गए, लेकिन सुदामा को ये नहीं पता कि ये हमारे मित्र हैं, मल्ला के वेश में है, पहचान नहीं पाया। सुदामा सोचने लगे मल्ला नाव तो ले आया है, लेकिन मेरे पास उतराई के लिए तो कुछ नहीं है, क्या दूंगा, पहले ही लाओ अपनी बात कह दे, फिर बाद में झंझट हो फायदा का। सुदामा ने कहा भैया मल्ला। हाँ भैया बताओ। मेरे पास है तो कुछ नहीं। कुछ है, कुछ तो होगा। मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी तो होगा। कुछ नहीं है भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद में तुम झंझट पैदा करो, कुछ तो होगा। सुदामा जी सोचने लगे कुछ की बात कर रहा है तो कछु जो है भैया। हाँ भैया। कछु तो मेरे पास में है तो बोल दोगे कछु, लेकिन ऐसा बात तुम लोगे नहीं। नाम ले लेंगे, कुछ भी बताओ। नहीं लोगे भैया, भाई तो कोई ये न ले, तुम कैसे ले लोगे। अरे जो है वो दे दो, तीन बार कह दो, जो है उसे ले लोगे, तीन बार कह दो तो मैं बताऊं क्या है। जो है उसे ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे भैया। ले लोगे तो मेरे पास और कुछ नहीं, गरीबी है, गरीबी। ठीक है भैया, तो बैठे ना हूं। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, तेरी गरीबी को लिया। सुदामा की गरीबी तो गोमती नदी पर ही दूर कर दी भगवान ने, लेकिन सुदामा अब कछ में माला। चल भैया तेरी गरीबी ने, आप बैठ ले भैया, नाव में बिठा ले, और नाव में बिठा करके नदी से पल्ली पार धीरे धीरे ले जाने लगे। और बात भी कर रहे भैया। हाँ भैया। कहाँ जा रहे हो? हम द्वारका जा रहे हैं। द्वारका? हाँ। द्वारका तो यहाँ से थोड़ी दूर है भैया, और रात्रि हो गई। कितनी दूर है भैया? अरे बहुत यहाँ से दूर है, पहुँच नहीं पाओगे, बहुत समय हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। सुदामा ने भैया तुम, हम तो भैया यही पास में नगर है गाँव में रहे। अच्छा। रोजाना जा घाट पे कमाए खाए और बच्चों का गुजारा करे, बस यही अपना काम है, जा पार से व्यापार, व्यापार से व्यापार, व्यापार से व्यापार। अच्छा भैया। यही काम है हमारा, तो यही रहे। ऐसा करो तुम चाहो तो यही हमारे यहाँ ठहर सकते। नहीं भैया रुकेंगे नहीं। नहीं रुकोगे? नहीं। नाव किनारे पर लाए भैया, देखो। हाँ भैया। हम तो जाई गांव में रहे, ये हमारे गांव है। अच्छा भैया। और द्वारकापुरी के लिए रास्ता सीधी गई, द्वारका को गई है ये सीधी रास्ता, द्वारका के लिए गई। इधर नहीं है, इधर है। अच्छा इधर है। ठीक है भैया। उल्टे मन चले जाना, इधर चले गए तो लौट जाओगे, इधर को जाना है। ठीक है भैया, पहली बार आए ना जा भैया से। तो भाई तो कह रहे थे ना मैं जाइए, रात में तुम्हें दिखाई नहीं देगा ना भैया, थोड़ा जंगल भी पड़ता है। कोई बात ना, अब यहाँ तक आ गए तो और सही, थोड़ी दूर। भगवत प्रेमियों, भगवान नाव से पार उतार के
और थोड़े इधर को बड़े सुदामा को रास्ता बताया और वो आगे चल के एक पथिक का भेष बनाकर रास्ता में फिर मिल गए। क्यों? रात्रि का समय कोई रास्ता बताने वाला मित्र को नहीं मिलेगा। एक पथिक, पथिक जानते हो, राहगीर जो रास्ता में चलने वाला पैदल आगे रास्ता मिल गए। राधे कृष्ण हुई, राधे कृष्ण हुआ, राधे कृष्ण भैया। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हम तो यही द्वारका जा रहे हैं भैया। द्वारका? हाँ, और आप? क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारा नाम सुदामा है। सुदामा, अच्छा भैया कहाँ से आ रहे हो तुम? पोरबंदर से। कहाँ से? पोरबंदर। पोरबंदर से आ रहे? हाँ भैया। भैया एक से दो बोले। हाँ हम भी द्वारका ही को जा रहे हैं। द्वारका के पास में एक नगर है छोटो सो, उसमें हम जा रहे हैं। अच्छा भैया, एक से दो भले। तुम पहले कभी गए हो या नहीं जा रहे हो? पहली बार आए हैं भैया, पहले कभी नहीं। अच्छा अच्छा, हम तो कई बार गए हैं। थोड़ा जंगल पड़ेगा, उसके बाद में रास्ता ठीक है। चलो भैया चलो। राधा कृष्ण करते हुए भगवान द्वारका के करीब तक सुदामा को ले आए, लेकिन सुदामा को अभी पता भी नहीं। एक राहगीर समझे, और एक बात तो समझ लेना लोगों, तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धार, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए कोई पता नहीं। कभी घमंड मत करना, घमंडी का सब नीचा होता है। एक नहीं, बड़े बड़े घमंडी। अरे मत करियो गर्व गुमान, कोई अमर नाए दुनिया में। कोई अमर नाए दुनिया में, कोई अमर नाए दुनिया में। मत करियो गर्व अपमान, कोई अमर नारायण। समझ लेना, घमंड मत करना भाइयों। बाली राजा भयो हो, पंपा पुर राज कियो हो। बाली राजा भयो हो, पंपा पुर राज कियो हो। You're
धन राजा भयो हतना पुर राज कियो नहीं। जिंदगी का ये क्षण भंगुर है, इसलिए कभी घमंड मत कर लेना, घमंडी का सब नीचा होता है। आज भगवान अपने मित्र को रास्ता बताने के लिए एक पथिक का भेष बना करके रास्ता बताई, पूरी मंजिल को काट दिया। द्वारका के निकट आ गए, भैया हमारा तो यही नगर है। अच्छा भैया, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रकाश हो रहा है, यही द्वारकापुरी है। ये द्वारका के गेट पर प्रकाश हो रहा है। अच्छा भैया, चलो भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चले रात्रि वहीं विश्राम किया। प्रातः काल 4 बजे द्वारकापुरी के घंटा बजे श्रीमद् भागवत महापुराण के उपलक्ष में 500 रुपए का दान हमारे पास में आया है। गोली प्रजापति की पुत्री, कुमारी सीमा की पुत्री रश्मि, ये 500 रुपए का दान अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनकी मनोकामना भगवान कन्हैया पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी बता रहे परीक्षित महाराज, आज प्रातः काल द्वारकापुरी के घंटा बजे 4 बजे सुदामा जी ने अपने सटका को उठा लो और द्वारपालों के पास पहुंचे। द्वारपालों से कहा, भैया द्वारपालों। हाँ भैया। अरे द्वारपालों, निक मोहन से कह दो द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, निक मोहन से कह दो द्वारे
नहीं न सर पे है स्वापा न पैरों से उस पे चला जा रहा है। अरे द्वार पालों मोहन छोड़ दो तुम्हारे सामान खरी द्वारपालों से कहा सुदामा ने, अरे द्वारपालों द्वारपालों। हाँ भैया, कौन है ये? द्वारकापुरी है ना? हाँ भैया द्वारकापुरी। भैया कृष्णा से कह दो जाकर के, कृष्णा से जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र द्वार पर आ गया है। बुद्धि खराब है, कहाँ से आए हो, कौन हो? कृष्णा को मित्र हूँ। बोलो, नई शक्ल दिखाई दे रही है, देखो फोटो है उसे चेहरा। दयनी दशा है, धोती फटी हुई है, दुपट्टी डोबर कर बांधे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए, पैरों से खून बह रहा है। ये मालूम पड़ रहा है कि ये कोई मेंटल हॉस्पिटल से निकल के कोई पागल आ गया है। अरे इस तरह की दशा है। अरे हटा वो, कौन है? हटा। द्वारपाल कहने लगे, कह रहे नाम किस तरह ले रहा है? नालायक, तुझे पता नहीं है द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर उनका नाम है, और तू कृष्णा कृष्णा कह रहा है। नाराज काय कह रहे हो? हमारे मित्र है। अरे बचपन से लूटा पट्टा चलाया बेवकूफ, बचपन को द्वारकाधीश श्याम सुंदर जिनका नाम है, और तू बोल कैसे रहा है? तुझे बोलने की तमीज भी नहीं? हमारा मित्र है भैया। तेरा मित्र है? हाँ। तुम्हारे मित्र स्कूल में गए कभी? और का संग संग पढ़े। अच्छा, पढ़े लिखे हुआ तुम? बिल्कुल। वाह भाई वाह, तुम्हारी सकल सूरत बता रही है तुम पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे दिखाई नहीं दे रहे? हाँ ठीक रहा है, तुम बहुत पढ़ लिखे। चलो पीछे। एक ने कहा, यार ये कोई पागल है, कहां कस के मुंह लगे उसे भगाओ। बात सुनो, पहले बात सुनो। अरे बात तो सुनो, बात सुन ली पहले। आज द्वारपाल गरीबी की वजह से ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान के मित्र हो गए। गरीबी की वजह और कोई वजह नहीं है भैया। एक द्वारपाल कहने लगा, भैया अपना हर्ज भी क्या इसमें, ये बार बार बात कर रहा है, तो चलो अपना काम ही सूचना देने का। बात सही कह रहे हो भैया। अरे वो जानेंगे, अगर उनके मित्र होंगे तो पहचानेंगे। अच्छा भैया तुम्हारा नाम क्या है? भैया हमारा नाम सुदामा है। अच्छा सुदामा। हाँ। तुम भगवान कृष्ण के मित्र हो? मित्र हैं। मित्रता कहाँ भैया हुई तुम्हारी? गुरुकुल में हुई है, गुरु स्वामी दीपन के। अच्छा, गुरुकुल पढ़े लिखे भी हो? बिल्कुल। चलो एक बार पालने जाकर के भगवान कन्हैया से जा गद्दी पर बैठे हुए हैं, जाकर के कहा, महाराज बोलिए। धोती फटी सी लपी दुपटी और पाई नुनाए उपहान की सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल दीन चक सो वसुधाय रामा, पूछत दीन दयाल को धाम और आपन नाम बता तू सुदामा। हे नाथ, द्वार पर एक दीन गरीब है जिसके पैरों से विवाही फट रही है, खून बह रहा है, चकाचौंध होकर के तुम्हारी द्वारकापुरी नगरी को देख रहा है, और धोती फटी हुई है, दुपट्टी हुई पहने हुए है, गात में जनेऊ पड़ा हुआ है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कोई ब्राह्मण है, और वो आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। हाय हाय, जो सुदामा नाम श्याम ने सुनो मित्र हो तो ऐसा। सुदामा सुदामा नाम सुना गद्दी से कूद करके दौड़े
और द्वार पर पहुंचे। अरे जो यार द्वार पे भैया आयो को अपने कंठ से लगा लियो। भैया तेरी दिशा क्या हो रही है, क्या दशा है तेरी? जिस दिन गुरु संदीपन के आश्रम में हम पढ़ते थे, हाँ भैया, उस समय तेरा मस्तिष्क सूर्य के तरह दमक रहा था, और आज तेरी दिशा क्या हो गई? अब भैया तुम समझते हो ये सब बातें? बड़े दिनन के बाद भैया तू आओ, तेरी ये दशा हो गई, अब तू द्वारकापुरी तक नहीं आ सकता। भैया चल कोई बात नहीं, ले गए आसन पर बैठाए गए। भैया एक बात बता। हाँ भैया बता। वो पता है क्या? गुरु संदीपन के आश्रम जो बात है ना, क्यों क्यों कहते गुरु संदीपन के आश्रम में हम पढ़ते थे, वो पता है? बस बस बस
काम की दूसरी बात करो जो छोड़ो। अच्छा चल छोड़ो, वो पता है एक दिन आश्रम में ही। अरे फिर भैया बात जो छोड़ो, यहाँ दूसरी बात। सुदामा सोचने लगा ये बोई चनन भाई बात कह के लज्जित करे, इसलिए पहले से के भैया ये बात तो छोड़ो, कोई नई बात तो चलाओ। अच्छा चल ये बात छोड़, कोई बात नहीं भैया, ये बात तो पुरानी अच्छी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम से भेंट हो गई है तो पुरानी बातें नहीं हो जाए ना। बस नहीं हो गई, समझ गए, तुम दूसरी बात कहो कोई। अच्छा भैया तो दूसरी बात बता, शादी हो गई तुम्हारी? हाँ भैया शादी हो गई। क्यों भैया? हाँ भैया। जब तेरी शादी हुई तो अपनी शादी पर तूने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, बुलाया क्यों नहीं? भैया जल्दी जल्दी में होगी शादी तो तुम जानते ही हो। इतनी जल्दी हो गई तो तू निमंत्रण भी नहीं दे सका? हाँ ज्यादा जल्दी में हो गई। अच्छा चल दो तीन दिन में शादी जल्दी में हो गई। हाँ एक बात बता। बोल भैया। शादी हो गई, भाभी घर पे आ गई। हाँ और भाभी घर पे आ गई तो बच्चे बच्चे भी हो गए होंगे? हाँ बच्चे हो गए। बच्चे हो गए? हाँ। एक बात बता, शादी तो जल्दी में हो गई और बच्चे जल्दी में है। अरे शादी पे तेरी नहीं बुलाओ तो बच्चन को नामकरण कर तो तब बुला लेते भैया। अबे बच्चे तुम जानते हो। जवाब दिया भैया, बच्चे पैदा हुए तब तक इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई, एक टाइम का भोजन भी नहीं रहा, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं किया। अच्छा चल कोई बात नहीं भैया। तेरी भाभी ने ज्यादा हमें बात करो कि अपने मित्र से मिलने चले जाओ भैया। तेरी भाभी ने ज्यादा बात हमें करो तो हम जो है इसलिए जो है द्वारकापुरी में आ गए। भगवान कहने लगे भैया अगर भाभी आ जाऊं ना कहती तो तुम आ जाऊं ना आते। हाँ। अच्छा जब भाभी ने मेरे पास तुम्हें भेजा है तो कोई भेंट की सौदा भाभी ने जरूर दी होगी भैया। भेंट भेंट कुछ नहीं दी ऐसे। अब सोने चांदी के महल देखे सुदामा जी ने कि यहाँ तो सोने चांदी के रतन जड़ित महल है और इन चावलों का क्या महत्व होगा। यहाँ लज्जा के कारण वो चावल की पोटलियों कांख में दबाई लगी। क्यों? भगवान कहने लगे भैया। हाँ भैया। जब गुरु के आश्रम में पढ़ते तब तो तुम्हारी दोनों बाएं ठीक ही, लेकिन अब क्या हो गया? हमें ये मालूम पड़ रहा है तुम्हारी बाएं में वेल्डिंग हो गई है। क्या में? थोड़ा निकल गया हुआ। फोड़ा? अंदर। इधर आओ, फोड़ा को तो इलाज में बढ़िया कर तुम्हारा। ये 10 रुपए का दान सोनू के सुपुत्र केशव अर्पण कर रहे हैं भगवान केशव की कथा में। भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे, धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे को बढ़े भैया। हाँ भैया। ये तुम्हारी बाएं में वेल्डिंग हो गई है, पीतांबर दे दो कोई। तुम्हारी बाएं में वेल्डिंग हो गई है। वेल्डिंग ना जो थोड़ा है भैया, थोड़ा हो गया। ककरवाई करवाइए, ककर भाई को इलाज भैया में बहुत अच्छा कर लें। चौं पहले का डॉक्टर हो, डॉक्टर ही हूँ। और भगवान ने कलाई पकड़ी, अरे कलाई पकड़ के धरा। रुक रुक कर दे रहा हूँ, रुक। अरे रुक तो यार, अरे तो याद तो कहीं ना। अरे रुक, दर्द दर्द काक में से कोई चावल की पोटली निकाल ली। भैया पुरानी आदत नहीं भूला, चोरी कर रहा है। भाभी ने जो सौगात भेजी आज भगवान कृष्ण ने वो चावल की पोटली खोली और वो चावल चबने लगे। माता बहने जो चावल लाने एक एक करके गद्दी पर छोड़ती जाए, थोड़े थोड़े चावल गद्दी पे छोड़ती जाए। अब खाए रहे चावल सुदामा के प्रभु खाए रहे।
घोड़े चढ़ाती जाए और चावल एक टोकरी में रखती जाए और थोड़े गद्दी पर चढ़ाती जाए सब। अब खा रहे हैं चावल सुदामा के प्रभु खाए रहे का राज दे दिया और दूसरी मुट्ठी चमके दो लोग का राजा बना दिया और तीसरी मुट्ठी चमके तीसरा लोग दे रहे हो भकमंगा को राजा कर रहे हो खुद भकमंगा हो गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम राज्य की ममता पर आ गई, मेरी ममता को पूर्ण तुमने नहीं होने दिया और उस बात को तुम भूल गई।
जब तुम्हारी शादी हुई ये ब्राह्मण नहीं होते और ब्राह्मण देवता पत्थर को लेकर नहीं आते तो तुम द्वारकापुरी में होते। तुम रात की ममता पर आकर के मेरे मन की ममता को तुम तुमने नहीं होने दिया देवी। 51 रुपए का दान हमारे पास में आया है। वीर बहादुर सिंह शेरपुर कोडिया के रहने वाले, ये शाहजहानपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए का दान दे रहे हैं और 100 रुपए का दान हमारे पास में आया है सुनील के पुत्र पुत्री, ये 100 रुपए का दान दे रहे हैं। 50 रुपए हमारे पास में आए हैं मनीष कुमार जी, ये रायबरेली के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए दे रहे हैं। भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें। धन क्षेत्र में इनके हाथ आगे को बढ़ते रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी ने कलाई को पकड़ लिया। भगवान ने रुक्मिणी को समझा कर कहा तुमने हमारे मन की ममता को पूर्ण नहीं होने दिया। अब सुदामा जी को बिठाया, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहना करके रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी बोला ऐसा करो हमारे मित्र आए हैं। अच्छा 16108 उरानी अन्य अन्य भात के नए नए शस्त्र व्यंजन बना करके लाओ। ठीक है, मित्र का स्वागत करना है। ठीक है महाराज, 16108 रानियां शस्त्र व्यंजन बना करके लाई। सुदामा जी ने क्या किया, दाल गोभी में पलट ली, आलू गोभी गोभी, आलू मटर गोभी, उर्द की दाल गो, भिंडी करेला जो भी सब्जी सब इकट्ठी कर ली। रुक्मिणी सोचने लगी इनके मित्र कितने विलक्षण हैं, इनको खाने की तमीज नहीं। भगवान कहने लगे रुक्मिणी हाँ क्या कह रही हो, हमारे मित्र जो तुम्हारे मित्र है, हमारे मित्र को बहुत ज्ञान है, ये बहुत देखो खाने को भी तमीज ने सारी सब्जी इकट्ठी कर ले। जवाब दिया सारी सब्जी का जवाब दे देंगे। अच्छा भगवान ने भोजन कराने बैठे, कहने लगे भैया हाँ साग सब्जी सब ठीक है। ठीक है भैया, सुदामा बोले भैया सब्जी सब ठीक है लेकिन एक सब्जी गड़बड़ कर रही है। रुक्मिणी कहने लगी सारी सब्जी इकट्ठी कर लेंगे और एक सब्जी को स्वाद अलग दिख लो। हाँ भैया, क्या बोले, बंधन में नमक कम डालो है गोरी भैया, और सब्जी तो सब ठीक है लेकिन व्यंजन में नमक कम है। हाँ भैया, रुक्मिणी कहने लगी जाके सात पीढ़ी से भोजन करते रहे, सारी सब्जी इकट्ठी और व्यंजन को नमक जाए फिर दिख रहे। और का भगवान ने कहा रुक्मिणी पहले अपनी सब्जी टेस्ट करो जा करके, और जा वास्तव में भंडन में जो नमक डालना रुक्मिणी भूल गई। रुक्मिणी कहने लगी महाराज हाँ? आपके मित्र वास्तव में बहुत ज्ञानी है। भगवान कहने लगे भैया भोजन कराओ और दो चार गुना गोतर खा लो ताकि बाद में जाइयो। अरे मैं भैया जा रहा हूं। सुदामा कहने लगे भैया तेरी भाभी अकेली और बच्चों को छोड़ आया हूँ, रोजाना भिक्षा करके उनके भोजन की व्यवस्था करता, अब मैं चला आया हूँ तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी, बच्चे भूखे होंगे, मैं चल रहा हूँ। अरे बेटे भैया, और मन ही मन में सुदामा सोचन लगे 16108 जाके पत्नी है, एक एक रुपया दे दो तो कितने है गए 16108, ब्राह्मण की गरीबी दूर। विचार कर रहे हैं कि भैया अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। भगवान कहने लगे दो चार गुना और गोतर खा लो। नहीं भैया, अब तेरी भाभी और बच्चों को देखना है। भगवान ने कहा अच्छा भैया नहीं मान रहे हो, बस हमारी इच्छा जी के दो चार दिन रुक के जाते, और अगर नहीं मान रहे हो तो भैया जा सकते हो। जा रहे हैं भैया,
जा रहे हो तो भैया दो चार दिन और रुक लेते। मैं अब जा रहा हूँ भैया। अच्छा जा रहे तो भैया ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़े भैया भैया और फिर लौटे आए। अल्लाह को बोले भैया मैं जाऊं। क्या कह रहे हो भैया? हम जा भैया। अब भैया तुम्हारी तबीयत न हो रही, रुको दो चार दस दिन रुको। अरे मैं खैर जा ही रहा हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। अब चल रहा हूँ। बार बार क्यों कह रहे हैं कि कछ दक्षिणा मिल जाए? अब दक्षिणा तो कछ मिली नहीं। भगवान ने तो तीन लोग को राज्य दे दो अब और खा दे। लेकिन सुदामा अब ही मालूम नहीं कि हम राजा बन गए। अच्छा ठीक है भैया चल रहा। ठीक है भैया। भगवान थोड़े थोड़े पीछे चले और थोड़ी दूर तक का भैया। ठीक है प्रणाम। ठीक है भैया। सुदामा जी थोड़े आगे बढ़े और भगवान कृष्ण प्रणाम कर पीछे को लौटे। अब बकवास करने को नंबर सुदामा ने लगा हुआ। बा भामिनी को जाके बताऊंगे ले सोने के कड़ा पहने ही पहन ले। अरे मैंने बहुत मना किया उससे कि गरीबी में कोई मित्र मित्र न हो और बा ने मुझे बहुत बात करके भेजा लेकिन जाने तो एक एकन्नी में दही से जाके दिखाई दे। अब भामिनी को जाके बताऊंगो और क्या बोले राजा है गो तो का है गो। कल तक दही माखन लूट लूट खाते रहो गोपन के चीर चुराते रहो यानी खोटे गिनने लगे भगवान में। राजा है गो तो का है गो कल से राजा है गो। से पहले दही माखन लूट के जंगल में ग्वाल बालन के संग खाते रहो। थोड़े कहत भाई अच्छे अगेला जा रहे चार चोर मिल गए रास्ता में। चोरन ने ठाचो का नए कपड़ा पहराए थे भगवान ने फटे पुराने ना है और तो ठाते ही निराले है गए रतन जड़ित कपड़ा है नए वस्त्र पहनाए। बदमाश चार मिले चोर उनने कहा ये तो कोई बड़ा आदमी मालूम पड़ रहा है रतन जड़ित वस्त्र है आगे जाकर। अरे बदमाशों ने कहा क्या निकाल निकाल सारी सब कुछ खकोरो लेकर एक चुन्नी नहीं निकली। बदमाश कहने लगे बना नंगा है जय पास तो चुन्नी नहीं निकली रास्ता और खूटी कर दी जाने। बदमाशों ने दुआ घूचा रहे भाग रहे अंदर चल रास्ता खूटी कर दी। अब सुदामा कहन लगो बाने ठीक करो जो हमें कछ नहीं दो। अगर वो कछ जाते तो जो बदमाश जहां ले जाता है बाल को ऐसा नहीं जाता हमारे घर चुन्नी नहीं जाती। बाने बहुत बढ़िया करो जो कछ नहीं दो। यही कहते कहते जो है उधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया जो देवताओं के गुरु थे। विश्वकर्मा से कहा विश्वकर्मा जिस तरह सर्व सोने की द्वारका पुरी है उसी तरह मेरे मित्र के सर्व सोने की सुदामा पुरी बनाओ जाकर के। विश्वकर्मा ने रात और रात में सोने चांदी के महल जैसे द्वारका में उसी तरह के पोरबंदर में बना करके तैयार कर दिए। और सुदामा जी और जो इनकी पत्नी सूखी है ना 24 घंटे में काया कलप है गई बहुत सुंदरी बन गई। सोने चांदी के महल द्वारकापुरी जैसे ही सुदामा जी जैसे आए अब सुदामा जी की मत कट गई। सोचने लगे क्या हुआ लौट के द्वारकापुरी में ही आ गया मैं कहां आ गया। द्वारकापुरी में तो नहीं हूं लेकिन मालूम ये पड़ रहा है द्वारकापुरी है। मुझे ये मालूम पड़ता है मैं यहां से द्वारका चला गया और कल राजा ने चढ़ाई करके मेरी टूटी हुई झोपड़ी और पंडितानी को न मालूम कहां कर दिया अपने महल को बना लिया है। सुशीला ऊपर अतारी से देख रही कि पति देव आ गए पहचान नहीं पाए हैं। अब तो नौकर की व्यवस्था है गई सैनिक को बुलाकर कहे पति देव नहीं समझ पाए हैं भ्रमित हो रहे जाओ उनको बुलाकर लाओ। एक सिपाही चला सुदामा जी के करीब में तैसे सुदामा जी भागने लगे। सैनिक रोक रहे ठहर जाओ सुदामा भागने लगा भैया भूल गया हूं गलती से आए। अरे ठहरो सुदामा भागते जा रहे पीछे सैनिक ने झपट के पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हैं
तुम्हारी पत्नी बुला दूंगी। मेरी पत्नी? हाँ भैया, मेरी तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरी पत्नी में ऐसे महलों में कहाँ थी? ये हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है। पकड़ के सुदामा जी को ले गए। हाय हाय भामिनी को नहीं पहचान पाए, झुक जाओ तो काया कलप हो गया, बहुत सुंदर हो गई। स्वामी भूल गए इतना दे के ले आओ, टकटकी लगाए दिख रही। स्वामी भामिनी आवाज तो तुम्हारी लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। पहचान ना पाए, देख लो मैं कैसी हूँ। एक बात बता मुझे, तूने मुझे द्वारकापुरी इसलिए भेजा? मैं द्वारकापुरी चला गया, तूने कौन से कर्म किए जिससे रातों रात में सोने चांदी? स्वामी तुम तो बिल्कुल मत कटे गई तुम्हारी। कौन से कर्म किए तूने देवी? मुझे इसलिए तूने द्वारकापुरी भेजा? तुम बिल्कुल सुन रही है गे? क्या बोली भामिनी? स्वामी उच्च देवर जी रात आए, क्या हुआ मालूम ना? देवर आए मेरे देवर, देवर जी रात आए, सुबह भाई बन पाए गए तरिया, शाम रात आए। ये तुम्हारे मित्र और मेरे देवर की कसम है, वो रात आए बहुत सारे कारीगरों को साथ लेकर के आए, रात रात ये महल बना करके चले गए। देख लो महाराज कितने बढ़िया महल बने गए। वारे श्यामबा तेरी लीला बड़ा विलक्षण है, मैं समझ भी नहीं पाया, और तूने कहा से कहा कर दे। क्या बोले? मेरी तो इच्छा इतनी नहीं और तूने इतना दे दिया। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो माया I'm
समय वैसे बहुत हो गया, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए और बैठ जाओ। सभी माता बहने 5 मिनट के लिए बैठे, आरती प्रसाद लेकर ही जाओ। इस तरह से मित्र हो तो भगवान कृष्ण जैसा हो, जो अपने मित्र को अपने समान बना ले। इधर ये कथा होते होते 7 दिन हो गए और 7वां दिन पूरा हुआ। ब्रह्मा का आदेश पा करके वह तक्षक नाग जीवित होकर के चला परीक्षित का काल बन करके, क्योंकि ब्रह्मा का आदेश था श्रृंगी ऋषि का के 7वें दिन ये सर्प तुम्हें काट लेगा। तो वही राजा कथा सुनकर के सारे शरीर पत्थर पे हो गए, लेकिन नाक में कच्चू रह गए परीक्षित। क्यों? जिस समय महाभारत की कथा सुना रहे थे सुखदेव जी और उन्होंने बताया परीक्षित तुम्हारे दादे भीम ने जिस समय भगदत्त के साथ महाभारत में युद्ध किया, जिन हाथियों के सूंड को पकड़ पकड़ के फेंक दिया है, उनकी अस्थियां आज भी स्वर्ग में टंगी है। परीक्षित नाक से तोड़ गया, कैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि संशय कर गया तो नाक में कच्चा रह गया है। वही तक्षक नाग जीवित होकर एक फूल में बैठ जाता है। कथा में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं संकेत कर रहा हूं। रास्ता में भेंट हो गई किससे? तक्षक। राजा को जीवित करने के लिए तक्षक से अच्छा चलो देखते हैं, बैठ दो मिनट, ये कथा पूरी कर दो। दो फूल ले आ, फूल है या मैं तोड़ ले? आज अरे तुम फूल निकाल लो, मैंने तो दे ही देंगे। इसमें से निकालो, उल्लू तो उल्लू की आंखें और तक्षक नाग जीवित होकर के चला और रानी ने एक पत्र लिख दिया वैद्य धन्वंतर के लिए, जो सर्प के विष के बहुत बड़े वैद्य थे। धन्वंतर जी आ रहे हैं अपने चेला परीक्षित को बचाने के लिए कि सर्प काटेगा उसे मैं बचा दूंगा। रास्ता में तक्षक ने परीक्षा ली ब्राह्मण को भेष बना के और धन्वंतर जी को तक्षक रास्ता में मिल गया। ब्राह्मण देवता को प्रणाम स्वीकार, आशीर्वाद प्राप्त हो। कहां जा रहे हो महाराज? राजा परीक्षित है और उसे तक्षक नाग दसेगा, उसका जहर मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा, तक्षक ने ब्राह्मण का भेष बना के धन्वंतर जी से पूछने लगा, महाराज इतने होशियार हैं आप, और क्या कहां कहां को विश्वास जो है समाप्त कर देते हैं? विश्वास हृदय का समाप्त कर देते हैं किसी को अगर कोई काट ले सर्प अगर। कैसे करते हो? नजर से ही, जहां तक हमारी धन्वंतर ने कहा जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां तक किसी प्रकार के सर्प का असर ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल सत्य महाराज ये बात, बिल्कुल इसे हम तो नहीं मानेंगे। अच्छा, वो अच्छा कितना जहरीला है महाराज, ये सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है, बरगद के पेड़ में फुसकार मार देगा तो ये पेड़ जल के राख हो जाएगा। तो हम इस पेड़ को हरा भरा कर देंगे। धन्वंतर कहने लगे फुसकार लगाकर वो पेड़ को जला देगा तो मैं अपनी नजर से ही हरा कर दूंगा। बरगद के पेड़ पे एक लकड़हारो लकड़ियां तोड़ गए, तक्षक ने आगे बढ़ करके ब्राह्मण के भेष से परिवर्तन करके एक सर्प का भेष अपना बना करके और कसके फुसकार मारी, बरगद का वृक्ष जल करके हो गया। जब जल के राख हो गया जल के राख हो जाता है, धन्वंतर की नजर पड़ी, नजर पड़ते ही
वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया और वो लकड़ हरा भी जीवित हो गया। अब तो तक्षक को बहुत शंका हो गई, इसका मतलब देख लिया ये परीक्षित को जीवित कर देगा। क्या किया? आगे बढ़ करके एक बहुत सुंदर सटका बन गए और सटका बन के रास्ता में गिर गए। जिधर से धनवंतर 14 चेला साथ लेकर के जा रहे हैं, गुरु जी ने सटका उठाए, लोग बड़ा सुंदर है, और सटका उठा के एक कंधे पर रख लिया। पीठ में खुजली पड़ी भाभी बस, पीठ में उस लकड़ी से खुजलाया, तब तक ने वही सरप बन करके और धनवंतर जी को काट लिया। अब तो धनवंतर जी ने लड़खड़ाती आवाज में 14 चेलाओं से कहा, चेलाओ हाँ गुरु जी, बहुत जल्दी ऐसा करो, गोबर में और नीम के पत्तों में मेरी लाश को दबा दो, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे साथ धोखा हो गया है। ठीक है गुरु जी, गोबर में गुरु जी की लाश को दबा दो और चारों तरफ से नीम के पत्ता लगा दो, और बैठे ढाक बजाने लगे। गुरुवर खाल रे तारे तारे वेश बनाकर कच्छक पर आ गया है। हाँ। क्या कर रहे हो? ये डाक बजा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हो? और इस गोबर में जहां मैं गुरु जी बनता है, अरे नालायक चेलाओ तुम्हें धिक्कार, कैसे चेलाओ? गुरु का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हो, गुरु जी की लाश इस गोबर में सड़ा रहे हो, धिक्कार तुम जैसे चेलाओ को, गुरु की लाश को सड़ा रहे हो। चेलन की समझ में आ गई क्या? उखाड़ो से बात तो सही कह रहे हो, गुरु जी की लाश को उखाड़ दिया। लड़खड़ाती आवाज में धनवंतर ने कहा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है बेटा, तुमने बहुत गलत किया, लेकिन अब एक ही उपाय है, तुम 14 चेला काट काट के मेरे अमिश को खा लो, यानी मेरे मांस को खा लो, तुम 14 धनवंतर हो जाओगे। अच्छा गुरु जी, गंगा के किनारे 14 चेलन ने गुरु के मांस को काट काट के हंडियां चढ़ा दी, ब्राह्मण का भेष बनाकर फिर आ गया है। चेला हो बोलो, ये हंडियों में क्या कर रहे हो? जाने गुरु जी को मांस है, क्या कर रहे हो? गुरु जी का अमिश, धिक्कार है तुम्हें, ऐसे नालायक चेला हो गए, तुम्हें धिक्कार है, गुरु की जो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे उनके मांस को खा रहे हो। चेला कहने लगे, क्या करे? अरे ये मांस गंगा में बहा दो। सब हंडियां गंगा में बहवा दी। बंगाल में जाकर एक गोमा नाम की जो है वैश्या थी, सारी हंडियां गंगा में डूबने, एक हंडी तैरती हुई चली गई, उसका अपने गृह कलेश हो गया, गंगा में अपना प्राणांत करने के लिए कूदी, उसे भूख लगी तो वो गुरु जी का रन्ना हुआ मांस था, उस मांस को उसने खा लिया, तो ये विद्या बंगाली में पहुंच गई। इधर कथा की शांति है, मस्तक पर चंदन लग रहा है, परीक्षित महाराज लो यज्ञपति नहीं है, ये फूल लेकर बैठो, और घर को जो धन दौलत हो नाती बेटन को सब बताओ। अब तक्षक नाग जीवित होकर के आ रहा है, बताए दो और तक्षक नाग जीवित होकर के आ रहा है, अब वो जो है तुम्हारे अंत समय को करने वाला है। नाती बेटन बुला के कुल की परंपरा राजनीति और उनको सब भार सौंप दो, वो सब छूटने वाले हैं, बता दो सब अभी।
एक पति महाराज नहीं है। सुनो अब संकल्प करिए, फूल का थोड़ा ही अरे वो एक रुपया संकल्प थोड़ा ही होगा। अब तो गानों करो निकाल लो 11,000 दो चीज अलग है। आप संकल्प करो आगे को नहीं संकल्प रखे यार निकाल संकल्प दो ना धर्म पत्नी कहा वो भी आ जाए परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी किधर है क्यों नहीं आ गए धर्म पत्नी है परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी आ जाए शर्मा क्यों रही हो कोई बात ना मैं आ जा रहा हूँ मार करके ब्याह करके अच्छा तुम आ जाओ महाराज निकाल लो बड़े बड़े लोट को ढूंढ रहे हो यहाँ सी है लो संकल्प जल है जल पैसा तो बहुत को भेज लो दस को ही निकाल रहे हो जल के छींटे लगाओ। ओम हरिओम तत्सश्री तत्सश्री ब्राह्मणे द्वितीय प्रारधे श्री श्वेत बारा कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर गते पुनः क्षेत्रे कलयुगे कल प्रथम चंडे संवत 2076 अगहन मासे त्रियो दशयामी तिथौ मंगलवासरे अत्रि गोत्रो उत्पन्ना क्या नाम है महाराज अत्रि गोत्र उत्पन्ना क्या नाम है महाराज तुम गोत्र तो हूं ले दो तुम्हारा नाम का है श्री धनेश कुमार नाम ने श्रीमद भागवत अखिल नमो मुद्रा श्री 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 दक्षिणा समर्पणम थाली में छोड़ दो छोड़ दो बड़ा भारी दक्षिणा धरी है तुमने हाँ तो वो लग जाते रही सही है 20,000 डब्बा लो ठीक है ये फूल लेकर के पद्मासन लगा कर बैठो और इस फूल को ये नाक से लगा लेना और जब हम कहें तब पीछे को फेंक देना हाँ वही बैठ जाओ अब सांप आ रहा है जरा कहना समझ लेते आज वही तक्षक नाग ब्रह्मा का आदेश पा करके जीवित होकर के एक सर्प में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया और माली ने सुंदर फूल देख करके बगीचे से तोड़ करके राजा परीक्षित या गंगा के किनारे बैठे कथा श्रवण करके परीक्षित ने पहले ही उनका शरीर बच्च के समान कर दिया था कौ अयम ब्रह्मास्मि कौ अयम ब्रह्म आस्मि मैं आत्मा हूं अमर हूं शस्त्र मुझे काट नहीं सकता हवा हिला नहीं सकती कीचड़ सड़ा नहीं सकता मैं अगर अमर हूं ब्रह्म ज्ञान करा दिया सुखदेव जी ने परीक्षित को अब फूल जो माली लेकर आए जिसमें सूक्ष्म रूप से तक्षक बैठा हुआ है उस फूल को नाक तक लगाया है इसे और कथा की शांति है लगे रोए चंदन माथे छिपके सर्प राज को छोड़ राज फूल फेंकना है तक्षक द्वारा के अंत हुआ क्यों नरराज पर
तक फूल जाते जाते, और जो फूल नाक पर रखा भाई तब चक जीवित होकर के उसने फुसकार लगाई, जो कि राजा पहले ही ब्रह्मलीन हो चुका था, उसका मृतक शरीर मात्र रह गया, उसमें फुसकार लगाकर उसे जला दिया। सबके देखते देखते क्या हुआ, सब लोगन के देखते आए देव बिमान, इस तरह से कथा समापन हुई। श्रीमद् भागवत की गाथा रे संक्षेप में सुना दी गाके, नर नार करेंगे किस राम रे अपने घर जाके, पता हम अपना बतलाते और राजेश्वर मेरे नाम हरि की गाथा पूछाते, पता चिमठा दिखी बजाते हैं, चिमठा विक्रम बजाते हैं, नगर काम के भैया चिमटा खटकाते हवन मेरा नरेंद्र कराते हैं, अरे हवन मेरे नरेंद्र कराते हैं, फौजी मंच की शोभा बड़ा अर्जुन बजाते हैं, अर्जुन बजाते हैं, छोटे जाते हमारे भैया धनु बजाते हैं, कथा कृपानंद करवावे, अरे कथा कृपानंद करवाते, ग्राम पूछी में हर की चर्चा को सुनवाते, कथा राम फकीर किसी दिन याद करोगे भजलो सियार।
क्षमता योगी बहता पानी क्षमता योगी बहता पानी इनकी महिमा काऊ न जानी सौ के सा जहांगीर किसी ने याद करोगे माता पिता सब भाई बहना सब भाई बहना एक बात हृदय में रखना प्रेम से सब मिल के रहना प्रेम से तुम मिल के रहना मधुबनी तस्वीर किसी दिन याद करो बदलो सिया रघुवीर किसी दिन याद करो शरीर किसी दिन याद करोगे संत गुरु की महिमा भारी संत गुरु की महिमा भारी सदिन नाम रति नर नारी सदिन नाम रति नर नारी आजत यम जंजीर किसी दिन याद कर भाई बहनों ये जोर से ताली जोर से तुम भी आ जाओ गुरु जी माता बहने दो मिनट रुकें आरती लेकर ही जाएंगी ले लो माइक तो अभी कर अभी शास्त्री जी का स्वागत करेंगे जो हमारे जगपति जी परिषदी महाराज शास्त्री जी आ जाएं वाला ले लो भैया सभी सभी लोग खड़े हो जाएं स्वागत करने के लिए सभी लोग आ जाएं सभी लोग हाँ 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 बस हाँ तालियां बजाएं सभी सभी तालियां बजाएं शास्त्री जी के मुखारविंद से जो ये कथा सुनी है इनका बड़ा ही योगदान रहा है इसमें हाँ चलो हाँ इधर से आ जाओ ना हाँ 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 चलो हाँ साथ साथ करते रहो साथ के साथ स्वागत करते रहो सभी सभी लोग हाँ
हाँ, और धर्मेंद्र जी ने बहुत बड़ी सेवा करी है इस 7 दिन की सेवा में, वो स्वागत कर रहे हैं। हाँ अच्छा 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 महाराज कर रहे थे। अच्छा हाँ, अब जगदीश ठेकेदार स्वागत कर रहे हैं शास्त्री जी का। सतवीर जी स्वागत कर रहे हैं कोटा वाले महाराज जी का। अर्चन कर तो दिया ना 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 ना। चलो चलो करते रहो, कर आगे बढ़ते रहो। महात्मा लोग आ जाएंगे, उनका भी बहुत सहयोग रहा 7 दिन। चलो अब हाँ, कालू मासी जी स्वागत कर रहे हैं। कर दिया हाँ, चलो इनका भी बहुत योगदान रहा, जो भी ये शूटिंग चल रही है सब इन्हीं के सहयोग से हो रहा है, ये और माई इसका जो म्यूजिक का काम चल रहा है वो सब इन्हीं के सहयोग से हुआ है। बहुत बड़ा सहयोग रहा है इनका भी इसमें, इस कथा में। और पिंटू जी तो नजर आ जाए काफी दिन के बाद में। और चंदा जी आ गए, चंदा शर्मा जी आ गए। चलो हाँ, गुरु जी के हाँ जी चलो हाँ, शास्त्री जी का स्वागत कर रहे हैं कालू मासे जी। हाँ चलो हाँ, लेते रहो पकड़ो। हाँ 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 गोलू पाल स्वागत कर रहे हैं शास्त्री जी का, बहुत खुश है। शाबाश, तालियां उनका, महाराज का भी। गुड, गोलूपाल स्वागत कर रहे हैं, देखो महाराज का, तालियां शाबाश। महाराज जी आ गए, क्या नाम महाराज का? ब्रह्मानंद। महाराज ब्रह्मानंद जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत कर। महाराज आ जाओ, आ जाओ महाराज, इधर आ जाओ। अच्छा शास्त्री जी स्वागत कर रहे हैं वापस महाराज जी का। टीम करो, फौजी जी का, फौजी जी बैठे ऊपर, सभी बुलाएंगे। फौजी आ जाओ, पंडित जी तुम भी आ जाओ ऊपर से, मंडली बुला लो, मंडली पूरी मंडली आ जाओ। लो जी माइक, लो माइक। हाय फौजी तालेवर जी, ग्राम मनिकापुर कौर जनपद बदाऊ वाले आ जाए। ये हमारे श्री तालेवर सिंह फौजी का सूबेदार श्री वीरपाल सिंह यादव जी स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजाएं जोर से। महाराज आ जाओ,
हाँ, हमारे यज्ञाचार्य जी का स्वागत हमारे फौजी सूबेदार वीरपाल सिंह यादव जी कर रहे हैं। हमारे परीक्षित महाराज जी फौजी तालेवर सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं और पंडित जी नरेंद्र कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी, जोर से तालियां, तालियों में कंजूसी क्यों? और हमारे पंडित जी महाराज को स्वागत कर रहे हैं। और ये धर्मेंद्र फौजी और सतीश चंद्र जी पंडित जी को स्वागत कर रहे हैं, हमारो स्वागत करो। हमने तो भगवान से प्रार्थना बहुत करी है, ना ब्याह है जाए, लेकिन जा जन्म में ना तो अगले में जरूर होगो। हाँ, और ये स्वामी जी कृपानंद महाराज के स्वागत कर रहे हैं हमारे चीमटा मास्टर विक्की उर्फ डंपू। हाँ, तुम भी आ जाओ अर्जुन सिंह ढोलक मासा। हमारे श्री तालेवर सिंह फौजी जनपद बदायूं के इनका गांव मनकापुर कौर है, स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। और हमारे परम प्रिय शिष्य नरेंद्र कुमार जी हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख शांति दे और इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें, हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे फौजी साहब तालेवर सिंह जी हमारा स्वागत कर रहे हैं, भगवान इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें। और इसी तरह से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हमारे साथ हर जगह बने रहें। और ये हमारे ढोलक मास्टर अर्जुन सिंह यादव जी स्वागत कर रहे हैं महाराज जी का, और ये हमारा स्वागत कर रहे हैं इनके भी। और हमारे नरेंद्र जी फौजी साहब का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, डाल दो। हमारे ये चीमता मास साहब स्वागत कर रहे हैं, और चीमता मास साहब को लाओ, स्वागत हम करते हैं। और ये हमारे स्वामी जी कृपानंद जी महाराज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इनसे आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ, और ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और ये हमारे सत्य कोटेदार साहब जी फौजी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, अब हमारे नामा राशि राजेश्वर जी श्री तालेवर सिंह फौजी साहब का स्वागत कर रहे हैं। श्री राजेश्वर जी ये हमारे नामा राशि हैं। हाँ, माता बहने रुके, आरती होकर ही जाएंगी, दो मिनट रुक जाए, दो मिनट, अब आरती के लिए जा रहे हैं। लो भाई, I'm not
Hare Krishna, Hare Krishna,